ये सोच के आया था कि कराची जाके अब हम समोसे पकोड़े बेचने पड़े तो वो बेचेंगे, लेकिन अब हम मैं प्रोग्रामिंग नहीं इतना करूंगा बस। शऊर कहाँ से आप लाएंगे जब एक हलवे के लफ्ज की कैलीग्राफी को लोग मतलब नऊज़ु बिल्ला, मैं नहीं मैं कहना बताता हूं, चाहता, पाकिस्तानी फ्रॉड में भी नंबर वन नहीं है अभी, ये धोखेबाजी और बेईमानी में भी एक नंबर, इतने ऊपर नहीं है जितनी होनी है। एक गंदी मछली की वजह से पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना। ईमानदारी वाली बात तो ये है कि 2-3 हज़ार डॉलर्स वाले बंदे का होलसेल का काम नहीं है, वो तो टेस्टिंग टेस्टिंग में पैसे फारिक कर देगा। क्योंकि क्योंकि मुंह से हम तो नहीं बोल रहे ना कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो माइकल जैक्सन बन के फोन करते हैं। मैं वैसे आपको कराची वालों का एक परस्पेक्टिव बताता हूँ, नो ऑफेंस, कराची में लाहौर वालों की थोड़ी सी मतलब बातें कुछ और लेवल पे होती हैं कि यार लाहौर नहीं जाना, बस रहने दो, दूर ही रहो लाहौर से। तो वो अभी रिसेंटली ताज़ा ताज़ा आपने हलवा भी सुन लिया, देख लिया होगा, और आपके शहर में ही बेसिकली मिल गया, तो वो फिलिपिनो है, कोई बात नहीं, पाकिस्तानी है भाई, संभल के पाकिस्तानी है। तो वो ये वाला जब एलिमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक देख टैग के जुड़ा हुआ चलो। है ना, दो नंबरी वाला। एक पार्टी ने इतना एफर्ट डाली कि अमेजोन से पाकिस्तानी सेलर को एक्सेप्ट करवा लिया। वो तो फेल नहीं सही। डिलीवरीज सबसे ज्यादा मारती हैं सेलर को, फेल डिलीवरीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद हसन है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के मेहमान बड़े खास हैं। अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बात की जाए या अमेजोन के बिजनेस की बात की जाए, सो इनका नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब मैं बात कर रहा हूँ हुज़ैफ़ा अली की। हुज़ैफ़ा अली वो हैं जिन्होंने अमेजोन बिजनेस में FBA होलसेल मॉडल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। इनके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आज पाकिस्तान में हज़ारों लाखों डॉलर जो हैं वो अर्न भी कर रहे हैं। सो आज हम जानेंगे उनकी जर्नी कि आया उन्होंने ये बिजनेस कैसे स्टार्टअप लिया और अमेजोन FBA होलसेल मॉडल में अब क्या वो समझते हैं कि क्या चेंजेस आ गई हैं, और उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करेंगे और इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सो आज मिलते हैं हुज़ैफ़ा अली से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अरशद, बहुत शुक्रिया आपके दावतनामे का और इस तरह इनवाइट करने का आपके पॉडकास्ट पे। और जहाँ तक मेरी बात है, क्विक इंट्रो यह है कि मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है, हमारी कंपनी है ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, ESP जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। और इसका एक जो शुरुआत हुई थी वो 2018 के बिगनिंग, बल्कि 2017 के एंड में मिड में कहीं पर हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं अब तो। एंड वी स्टार्टेड विद अमेजॉन होलसेल FBA। तो मेरा वैसे जो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो है, इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री से है। मैं मलेशिया में रहा कोई 4-5 साल, उसके बाद मैं रहा हूँ LA में, लॉस एंजलिस में, फिर हम कराची मूव हो गए वापस फैमिली समेत, एंड देन वो है। तो जब क्विक शॉर्ट शॉर्ट ये कि मैं जब वापस आया तो कुछ काम करने की खास ये सोच के आया था कि कराची जाके अब हम समोसे पकोड़े बेचने पड़े तो वो बेचेंगे, लेकिन अब हम मैं प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा, बस फेडअप हो चुका था, 16-17 साल लगा चुका था। सो आई डिसाइडेड कि जी हम फिर उसके ऊपर, वो हमने मग्स का प्रिंटिंग का बिजनेस किया और सारी इस तरह की चीजें की, एंड देन वी मूव्ड टू अल्टीमेटली जस्ट ये ई कॉमर्स के बिजनेस में। और 2017 के बिगनिंग से हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था, स्पेशल विद ईबे, और 2-3 महीने बाद हमने अमेजोन शुरू कर दिया, अमेजोन होलसेल और ड्रॉप शिपिंग दोनों के साथ काम किया बड़ा, और बड़े पैसे बनाए। एंड देन 17 बाय द एंड ऑफ द ईयर मैंने देखा कुछ थोड़ी बहुत प्राइवेट लेबल की बातें होना शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, तो मैंने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया था होलसेल FBA का बिजनेस मॉडल, के यार ये ज्यादा आसान भी है और कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिस्क फैक्टर उतना हाई नहीं है जितना प्राइवेट लेबल में, क्योंकि प्राइवेट लेबल स्टार्ट होता है 20-25 हज़ार डॉलर लगाना पड़ जाता है, तो यहाँ पे तो आप 5 हज़ार डॉलर, 3 हज़ार डॉलर से भी शुरू कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है, वक्त जैसे जैसे गुजरा है, अब 2024 में आ गए हम, तो अब आके हम कहते हैं कि अच्छा जी होलसेल FBA शुरू कर रहे हैं तो आपके पास 8-10 हज़ार डॉलर सब मिनिमम हो, उससे कम में तो वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन हाँ काम हो सकता है, अभी भी लोग पैसा बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो और भी मार्केट प्लेसेस आ गए, लोग टिकटॉक शॉप पे भी पैसे बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ईबे, एटसी, एटसी भी हमने इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पे। तो ये जर्नी बहरहाल ये है अच्छा ई कॉमर्स। माशाल्लाह। अच्छा अगर बात की जाए, माशाल्लाह आप यूएसए में थे और यूएसए से आजकल के जो सिनेरियो में बात की जाए तो लोग तो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, सो आप वहाँ से जर्नी जो है वो अपने यहाँ पे शिफ्ट कर ली, अपने आप को यहाँ ले आए, तो ऐसा क्या सिनेरियो था? आपको लगता नहीं है कि कभी कभी आजकल के खासतौर सिनेरियो में देखें कि यार मैंने गलती कर ली, मैं वहाँ पर भी बैठ के भी बहुत कुछ कर सकता था, बल्कि ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बिकॉज आप तो हब में बैठे हुए थे। सो ये जो चेंज आया है वहाँ से यहाँ पे, तो इसमें क्या आप फील करते हैं, कैसा रहा ये सफ़र?
मेरे पास ना उस वक्त 3 बेटियां थी जब मैं यूएस में था, 2016 की अच्छा बात है ये, माशाल्लाह, तब तक 3 बेटियां थी। अच्छा और अच्छा जब हम 17 में आए हैं और 2-3 महीने बाद हमें ये खबर आई मेरे पास मेरी बेगम की तरफ से कि जी एक्सपेक्टेड हैं, और वो चौथी बेटी मेरी 2017 में पैदा हुई थी। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि अल्लाह माशाल्लाह, ताला की तरफ से तो वो था ही कि भाई तूने पाकिस्तान जाना है और वहीं पर वापिस आ जाओ। विलादत होनी है। हाँ, तो वो एक अल्लाह ताला के काम होते हैं, तो फिर तो आप कितना भी एड़ियों का जोर लगा लें कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक तो ये बात है। जहां तक बात है मेरे रिग्रेट करने की, तो हाँ ये फीलिंग जरूर आती है कभी कभी कि यार अगर मैं वहां होता तो मैं शायद ये कर लेता, मैं इसको और इस तरह से बेहतर कर लेता। बट एट द सेम टाइम जब आप कंपेयर करते हो ना अपने करंट और जो हालात बने, तो आपको अल्लाह की मसलियत नजर आ जाती है। और वो मसलियतें ये होती हैं कि मैंने यहाँ आना था, हमने एक बड़े वास्ट लेवल के ऊपर एक्सपेंशन किया, मास लेवल के ऊपर लोगों को एजुकेट किया, आज 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने होलसेल एफबीए मुझसे सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे बना रहे होंगे। मरे से मरा भी बंदा $500 महीना कमा ही लेता है। ये तो मैं मरे से मरा कह रहा हूँ, वरना जी तो अच्छे पैसे बनते हैं, लोग 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर माहाना कमाने वाले भी स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। और ये चीजें होती है जिससे आप सोचते हो कि नहीं यार वो उसने जो प्लान बनाया था ऊपर वाली जात ने वो सबसे बेहतरीन प्लान वो था, ज्यादा बेहतर है। और हाँ उसके उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है ना। तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं कहता हूँ अच्छा ही हुआ, जो हुआ वो बेहतर हुआ, और उसके बिहाफ पे उसके बाद हमारे हालात अल्लाह ताला ने बड़े बदले। अगेन सबसे बड़ी बात, उसने एक और औलाद की नेमत से नवाजा, और लेकिन एट द सेम टाइम उसने बड़ा हमें माशाल्लाह माली तौर पे भी बड़ा नवाजा। फिर हम इस्लामाबाद मूव हो गए बेशक, वो और यहाँ। फैसला सही एग्जैक्टली, तो ये बहरहाल सही। सिचुएशन अच्छा उसके अंदर बड़ी। सही, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में लोगों को अमेज़न बिजनेस की खासतौर पे बात करें तो समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे लोग जो है वो नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या समझ लें नेगेटिविटी को ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहा हो तो वो बड़ी देर बाद समझ आती है। तो आपको क्या लगता है कि इस जर्नी में ये कैसा रहा आपका सफ़र? ये तो है ना फैक्ट, अब के आपको देखिए जब शऊर होता है ना, जब शऊर होता है तो आप उस शऊर के आपके आपके शऊर की मुनासिबत से आप सही और गलत का फैसला बआसानी कर लेते हैं। जब आप में शऊर नहीं जैसे होगा तो आप सही को गलत और गलत को सही मानेंगे या सब कुछ सही मान लेंगे, चाहे वो फिर वो बीच की जो एक बॉर्डर लाइन बहुत पतली बनाई है, आप कह लें कुदरत बनाई है जैसे भी बनी है, लेकिन वो है कि जो सही और गलत के बीच की जो बॉर्डर लाइन है वो बिल्कुल बारीक सी है, उसके ऊपर उस बॉर्डर लाइन के दाएं साइड रहना, सही वाली साइड पर रहना और बाएं साइड के ऊपर उस बॉर्डर को पार ना करना, यही इंसान का असल इम्तिहान है। ये पार कर लिया तो उससे वो सिराते मुस्तकीम भी पार कर लेनी है जाके, लेकिन जो मैं मानता हूं मैं समझता हूं, लेकिन वो यहीं पर साइड में हो जाए क्योंकि बॉर्डर लाइन नजर ही नहीं आती, तो वो कब गलत की तरफ जाता है और उसको वो यही लग रहा होता है जी सही है, इट्स ओके। मैं अगर इसको एक चीज बेच रहा हूं उस पर नुक्स है और मैं उसको नहीं बता रहा और फिर भी मैं बेच रहा हूं, तो मैं अगर बता दूंगा तो वो तो नहीं लेगा ना, तो इट्स ओके बेच दो ऐसे ही। तो जनाब इस्लाम की रूह से तो ऐसा नहीं है ना, इस्लाम में तो कहा गया है कि अगर गलत है तो आप, अगर नुक्स है तो आप नहीं बेच सकते, आप पहले बताएं उसके बाद वो खरीदे तो आपके बिल्कुल ऊपर ऐसा, उसकी रोजी हलाल है, वरना तो वो रोजी उसके बाद हलाल है। अगर उससे पहले आपने ऐसा कर दिया तो रोजी हराम हो गई ना, तो सारा मुल्क हराम के ऊपर चल रहा है फिर तो, इसका बेशक मतलब ज्यादातर तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये चीजें आती हैं जहां पे पाकिस्तान में समझाना मुश्किल हो जाता है फिर तो। वो अभी रिसेंटली ताजा ताजा आपने हलवा भी सुन लिया, देख लिया होगा, और आपके शहर में ही बेसिकली बल्कि, तो वो तो ये चीजें, ये उस लेवल का शऊर कहाँ से आप लाएंगे जब एक हलवे के लफ्ज की कैलीग्राफी को लोग मतलब नौजुबिल्ला, मैं नहीं कहना चाहता उसमें, मैं जाना भी नहीं चाहता उस डिबेट में, लेकिन ये है, तो आप बहुत मुश्किल होगा। और मैं तो आज अगर आप मुझे फॉलो करें, चूंकि आप जैसे कह रहे हैं, तो मैंने तो फिलिपिनो की बात की तो उसके ऊपर भी नीचे मुझे बड़ा सारा ऐसा नेगेटिव ही है। कमेंट्स आते हैं कि जनाब आप तो पाकिस्तानियों को सिखाते हो तो फिर फिलिपिनोज को क्यों हायर करते हो। तो उसके ऊपर मैंने बड़ी लंबी कल परसों बल्कि सुबह एक वीडियो रिकॉर्ड की है पार्क में जब मैं वॉक करा था, तो वो जी अगेन वही वाली बात है भाई, आप दो रीजन थे इसके अंदर से, दो दो चीजें निकल सकती हैं, मैं क्यों हायर करने पे मजबूर हूं क्योंकि मुझे नहीं मिल रहे ना लोग, और दूसरा आप मुझे गुनाहगार ठहरा रहे हैं कि जी खुद सिखा रहे हो लेकिन
खुद हायर नहीं कर रहे, तो पहली बात मैंने हायर करने का कमिटमेंट या वादा नहीं किया था, मैंने तो सिखाने का वादा किया था, पैसे भी सिखाने के लिए, हायर करने के तो पैसे लिए ही नहीं आपसे। और अगर मैं सिखाने के बाद भी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज दे रहा हूं ना, आपकी एथिकल नॉलेज या ग्रूमिंग करना मेरा काम नहीं है, वो तो आपके माँ बाप का काम था, वो तो पेरेंट्स का काम है, वो तो सोसाइटी का काम है, वो उस सोहबत का काम है जिसमें आप पले पड़े, मेरा काम थोड़ी है। मैं अगर ये करने बैठूं तो मेरे बच्चों की तरबियत कौन करेगा, मैं पूरे पाकिस्तान की तरबियत करने बैठ जाऊंगा। तो ये इतनी सी कॉमन सेंस है जिसके ऊपर हम, वही बात है फिर आगे जाएगी बात के शऊर, अगर आपके पास शऊर होगा तो आप हर शख्स के अमल और उसकी बातों से उसका सही मतलब निकाल लेंगे, अदरवाइज तो ये वही वाली बात है, कहते हैं ना भटके हुए लोग हैं तो वो भटक जाते हैं इधर उधर, तो खुदा ना करता नऊज़ बिल्लाह ये वाली बात। जब आपने शुरू में स्टार्टअप लिया, हम भी काफी ऐसे से ESP को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ना होलसेल पे जरा फोकस किया, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो, अगर मैं नाम लूँ तो सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स का या इनेबलर्स का, वो प्राइवेट लेबल्स को बड़ा प्रमोट करते रहे और उसके बाद जो प्राइवेट लेबल्स के रिजल्ट्स आए वो भी हमें पता है। सो आप शुरू से लेकर अभी तक जो है वो स्टिक रहे हैं होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको क्या लगता है कि आज से जो 4 साल पहले जो होलसेल किया जा रहा था और जो अब होलसेल किया जा रहा है, तो क्या पोटेंशियल में कुछ चेंजेस आई हैं इसमें? और ख़ास तौर पे अगर बात करें कि जो हमने जो अमेज़न का हाल कर छोड़ा है, ख़ासतौर पे ये जो मियां चन्नू और इस इलाके में ड्रॉप शिपिंग होती रही, तो कई दफ़ा तो हम खुद क्योंकि एज ए इंस्टीट्यूट हैं हम भी होलसेल करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, सो हम भी डर गए कि ऐसा ना हो कि अमेज़न जो है वो यहाँ से चला जाए। तो ये फर्क तो रहा है लोगों के मतलब एटीट्यूड में, बट क्या Amazon FBA होलसेल मॉडल आज भी वैसा ही है जैसे आज से 4 साल पहले था? तो आप अभी तक उसी पे स्टिक? सवाल बड़ा अच्छा है, पोटेंशियल तो अपनी जगह अभी भी मौजूद है, देयर इज अ डिफरेंस के आप और मैं उसको कुछ किस किस नजरिए से देखते हैं। तो होता यह है कि एक पहले जब हमने, हमारी भी कोताहियां गलतियां तो है ना, हम कोई मिस्टर परफेक्ट तो है नहीं, तो ना मैं कोई पुराना सदियों से सॉरी दहाइयों से कोई ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं चला रहा था पहले, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ अभी भी कहता हूँ। तो हमने जब ये देखा कि अच्छा लोगों को इससे फायदा मेरी नॉलेज से हो सकता है, ये 2017 की मैं बात कर, लोगों को इससे फायदा हो सकता है, तो अच्छा बताओ इनको भी सिखाओ। मैंने आप 2017 के और 18 के टाइम में चले जाएं, मेरे प्रोफाइल को जो ESP का ग्रुप है उसको जाके खंगालें, 18 के एंड तक मोस्ट लाइकली आपको एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरी एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी जिसमें मैंने ये कहा हो कि मेरी ये ट्रेनिंग शुरू हो रही है, इसके अंदर इनरोल हो जाओ, इसके इतने पैसे हैं। 17 से ग्रुप बना हुआ है, जुलाई 2017 से दूसरा ग्रुप पाकिस्तान में मेरा था, जिसकी जैसे प्राइवेट की आपने बात की, प्राइवेट लेबल की, दूसरा ग्रुप मेरा था, उसके बाद तीसरा ग्रुप बनाए, तो दूसरे नंबर पे मैं था। अब हुआ क्या कि तब से लेकर हम 1.5 साल तक तो हमने कोई कोर्स बेचा ही नहीं था, हम तो अल्लाह वसीले भाई तुम भी सीख लो, एक आके कहने लगा जनाब मुझे सिखा दें, आजा भाई बैठ जा तू भी सीख ले, कुछ 4 लोगों ने मैसेज किए फेसबुक के ऊपर जनाब ये कर लें, अच्छा ये कैसे करेंगे मुझे आइडिया के, मैंने कहता अच्छा चलो रात को सेशन करते हैं वीडियो लाइव, और मैं जाके लाइव बैठ जाता था बाकायदा अपना अमेजोन का वो सेटअप ओपन करके, ट्यूटोरियल पूरा स्क्रीन के ऊपर मैंने सिखा दिया, देखो कीपा में जाओ, उस वक्त कीपा भी फ्री हुआ करता था, हम कहते ये देखो ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ये सारी वीडियो आपको 2018 और 17 में मेरी अभी भी मिलेंगी फेसबुक के उस ग्रुप में जो ESP का अभी भी ग्रुप है, तो अगर आप वो सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमारी पहली ट्रेनिंग जो आई थी वो प्रो ट्रेनिंग आई थी 2019 के बिगिनिंग में, फरवरी या मार्च में आई है जो मुझे जहां तक सारी बातें याद है। तो मैंने एक्चुअल ट्रेनिंग बेचना जो शुरू किया वो भी जाहिर सी बात है, ऑफकोर्स लोगों ने आके कहा कि 1.5 साल के अंदर जो उनको फीडबैक मुझे मिला, कहते रहे कि जनाब आप तो बड़ा अच्छा सिखाते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, आप एक काम करें फॉर्मल आउटलाइन के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लें ताकि हम आपसे सीख सकें। हमने कहा ठीक है, बोला जी आप कुछ पैसे ले लें ताकि हम भी जिम्मेदारी से सीखें। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप $200 हमने उसकी प्राइस रख दी प्रो ट्रेनिंग की, उसको लॉन्च कर दिया, बड़ा बेकार वो वीडियो बेस्ड कोर्स था। तो फिर वहां से वो जो लालच कह लें या एक डाइवर्जन हुई साथ साथ के, भाई ट्रेनिंग भी बिकती है और इसके पैसे भी मिलते हैं, वो मेरा एलिमेंट, मेरा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ वो उस वक्त हुआ है 2019 में जाके। उससे पहले तक तो मैं तो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हूं, लेकिन जाहिर सी बात है अब
प्रायोरिटीज के अंदर एक चीज बड़ी सीरियसली आ गई कि जी ESP है, फिर वो ESP को इदारे को प्रॉपर कंपनी को जैसे SEC में रजिस्टर कराते हैं वो सब किया। अब आपका सवाल पोटेंशियल का था, पोटेंशियल यहां पर डिफरेंस ये आया कि उस वक्त हर कोई शख्स क्या बोलते हैं वो उर्दू का कोई टर्म है, बस ऐसे कूदा है कि बस जी देयर इज नो नो टुमारो, बस जी घुस जाओ अमेज़न पे चले जाओ। तो कोई चाचे मामे ताए का कहीं से अकाउंट पकड़ के लाया, किसी ने आपने मियां चन्नू का नाम लिया, और भी इलाके हैं जहां से फॉर्चूनरें बनी दो दो महीने के अंदर, तो वो अभी भी बीच में भी कुछ अरसे पिछले सालों के अंदर भी बनती रही हैं। तो ये सब चीजें होती रही हैं हमारे हमारे इसके अंदर टेन्योर के अंदर। तो कहने का मकसद ये कि पोटेंशियल वहीं पर है, बस टफ हो जाती है चीजें, क्योंकि जो हालात हमारे मुल्क के हमारी कौम ने अमेज़न के साथ जिस तरह ट्रीट किया है उस तरीके से उसको सामने रखते हुए देखा जाए ना, तो वो वक्त के साथ साथ मुश्किल होता जाएगा। मैं कल इनफैक्ट XC को एक नया अकाउंट मैंने साइन अप किया, तो XC ने साइन अप स्क्रीन्स को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। पहले तो वो फोटो ID भी नहीं मांगता था, अब तो वो साइन अप की स्क्रीन के अंदर भी फोटो ID भी मांगता है। हालांकि पहले तो आसान था, हालांकि ये अभी भी अमेज़न की टक्कर का मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मकसद ये है कि ये लो ये इदारे जो मार्केट प्लेसेस हैं ये वक्त के साथ साथ अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं सेलर्स का उनकी तरफ आना। और ये ऐसे ये इस बात में मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से, धोखेबाज दुनिया के अंदर बहुत सारी और भी कौमों के अंदर मौजूद हैं और बड़े बड़े फ्रॉडिये बैठे हुए, तो इनको तो हर जगह से बचना होता है। तो इसलिए ये पाकिस्तानी, तो मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी फ्रॉड में भी नंबर वन नहीं है अभी, ये धोखेबाजी और बेईमानी में भी एक नंबर इतने ऊपर नहीं है जितनी दुनिया है। ये अभी उतना शऊर ले आए, अगर उस लेवल का भी शऊर ले आए ना, तो ये उसमें भी ऊपर जाने का बड़ा स्कोप है इनका। डेफिनेटली नहीं, अच्छा जब आपने जिस तरह बता रहे हैं कि शुरू किया इंस्टीट्यूट और इसको ट्रेनिंग का सेशन शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बेची और आपको भी पता है कि दबा के बेचा, और मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का, और ठीक ठाक किसी को कैश किया गया, और खास तौर पे बहुत सारे लोगों ने किसी खास दो चार लोगों को सामने रख के कैश भी किया। अच्छा, इसमें एक वैसे भी देखा जाए तो हमारे सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमारी पूरी कौम भी ना, एक तरफ अगर कोई ऐसी बात करे तो वो उस तरफ दगड़ 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 उस तरफ चल पड़ती है, या दगड़ 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 दूसरी तरफ चल पड़ती है। मतलब बेसिकली कोई बताने वाला होना चाहिए कि यार इस तरफ चले जाओ, तो सारे उस तरफ ही चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ, अगर लेट्स सपोज किसी ने कोई बेचा भी है, तो कोई मतलब इसमें बुरा क्या है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो, अगर लेट्स सपोज कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, अगर कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में तो जाके बैठेगा। सो मतलब अगर कोई चीज़ बेच रहा है या बता रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? तो ऐसा आपको क्या लगता है कि एक बहुत सारी नेगेटिविटियाँ भी आई हैं माशरे में इस हवाले से, खासतौर पर अमेज़न के हवाले से, कि नहीं यार ये सब फेक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें भी निकल के बाहर आई हैं, और उसकी फलाने की वीडियो देख लो, उसने ये नुकसान कर लिया, फलाने ने कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि एज ए इंस्टीट्यूट भी हमें थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, या हम एज ए पर्सनल लेवल पर हमने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं जिससे हमारा जो ओवरऑल जो एक परसेप्शन है वो बड़ी नेगेटिव इसमें गई है? हालांकि काम तो बड़ा पॉजिटिव था, कि अगर किसी के चार पैसे बनते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बातें हैं। एक गंदी मछली की वजह से पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, तो यहाँ पे तो तालाब पहले ही बदनाम था, और कुछ कुछ चंद एक अच्छी मछलियों ने काम करना शुरू किया, तो वो जो गंदी मछलियां थोड़ी बहुत पहले से जिन्होंने तालाब गंदा कर रखा था ना, यहाँ थोड़ी सी मिसाल को मैं उलट देता हूँ अब, तो तालाब पहले से गंदा था और गंदा था सारी मछलियों की वजह से, कुछ अच्छी मछलियां आई, उन्होंने तालाब को साफ करने की कोशिश की और थोड़ा बहुत साफ सफाई करने में वो कामयाब भी हुई कुछ अरसे के लिए। लेकिन जब वो गंदी मछलियों ने देखा कि नहीं भाई हमारा काम तो खराब हो रहा है, तो उन्होंने फिर से अपने काम वापस उस फोर्स के साथ किए कि वो तालाब फिर गंदा हो गया, तो वो जो दो चार छह अच्छी मछलियां थी वो अंदर ही डूब गई बेचारी फिर से, तो वो इसकी वजह से वो तालाब फिर से गंदे का गंदा ही है। तो एक तो एग्जांपल ये है, उसकी मेजर रीजन ये भी आती है ना कि कुछ लोग होते हैं, देखें आपने पिछला सवाल एक किया था ना कि जी मैं अभी तक होलसेल को क्यों प्रमोट कर रहा हूं या मैं उसके साथ स्टिक क्यों। स्ट्रैटेजीज तब्दील होती हैं, इसमें भी होती हैं और भी जगहों पे होती है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजीज तब्दील नहीं होती, स्ट्रैटेजीज में रद्दोबदल आता है, लेकिन एक चीज तिजारत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, बल्कि शायद उनसे भी पहले से, मोस्ट लाइकली मैं तो हिस्ट्री में इतना पक्का नहीं हूं, तो उनसे भी पहले से चीजें चल रही है ना कि लोग बार्टर सिस्टम करते थे, जी एक हाथ दे एक हाथ दे, तो तिजारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी होती रही कि कोई चीज खरीदने के लिए उन्होंने खुद सिखाया कि किसी शख्स को के जा घर से ये चीज लेकर आ, उन्होंने वो चीज बिकवाई और फिर कुल्हाड़ी खरीदवाई, फिर दरख कटवाया, फिर लकड़ी, एक शख्स की स्टोरी है बड़ी कॉमन सी है।
तो उन्होंने क्यों बताया नबी ने कि इन्होंने यही बताया कि बेटा तू काम करेगा तो तू तिजारत करेगा तो तुझे दो पैसे बनेंगे ना, तो इस तरीके से तो वो सिस्टम तो चलता रहेगा, अभी भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। डिफरेंस क्या आता है कि आप उसके साथ कितना केपेबल हो और आप कितने स्ट्रांग हो कि आप मजीद उसको बड़ा कर सको। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये मैं देखता हूं कि हमारे एक और चीज, हमारे अपने हरकतों के अलावा एक और चीज हमें जो मारती है वो हमारी जो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है। मेरे ख्याल से रिसेंटली पेट्रोल फिर महंगा हो गया था, डॉलर जो है वो और महंगा होता जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे से मसला क्या आ रहा है कि हम उस लेवल की जो करेंसी है उसको टक्कर नहीं दे पाते हैं, उसके साथ उतना लेवल पे काम नहीं कर ऐसे पाते हैं। अब बेचारा कोई पाकिस्तानी देखता है कि भाई मैंने $500 कमाने थे, वो $500 क्या बनता है, 1,25,000 रुपए बन जाता है। तो 1,25,000 रुपए के अंदर अगर उसको पूरा घर चलाना है और थोड़ा सा भी नया खर्चा उसके पास आ जाता है, तो वो अपने बिजनेस के अंदर से 500 की जगह $700 निकाल लेता है, अगले महीने वो 700 की जगह $1,000 निकाल ऐसे लेता है। तो अगर वो 1,000 और 700 डॉलर कर करके निकाल के खा जाता है तो बेसिकली वो अपने बिजनेस का कैपिटल खुद ही खा जाता है। 6 महीने में वो सफारी करके बैठ जाता ऐसे है, बोलता है अब तो पैसे कोई नहीं, अब बिजनेस कहाँ से करूं। और फिर अगला दोबारा अगर स्टार्ट ही करना है फिर स्क्रैच से, तो फिर तो वो कहता है बस हो गई, अब तो फिर वो कुछ कुछ और देखना पड़ता है। तो यहाँ ये सारे हमारे साथ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें मुश्किल आती हैं बिजनेस को चलाने में। सही। अच्छा, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की कराची से और फिर उसके बाद आप सीधा शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो इसकी क्या वजह थी? डायरेक्ट आप लाहौर भी नहीं रुके और सीधा ही कराची इस्लामाबाद पिंडी की तरफ, इसमें क्या वजह थी? आपको लगता था कि लाहौर में कोई और ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक रोहन महाजन खेलने का कम है और अदरवाइज इस्लामाबाद पिंडी में आप एक अच्छा चंग बन सकता था, तो इसकी ये वजह थी या आपका कोई फैमिली रीजन था? मतलब लाहौर इस्लाम कराची से सीधा इस्लामाबाद, मतलब कुछ अजीब सा नहीं? नहीं, मेरे केस में डिफरेंट है क्योंकि लाहौर को मैंने कंसिडर किया ही नहीं था। लाहौर इसलिए कंसिडर नहीं किया था कि अच्छा कराची में, मैं वैसे आपको कराची वालों का एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ, नो ऑफेंस, कराची में लाहौर वालों की थोड़ी सी मतलब बातें कुछ और लेवल पे होती हैं कि यार अच्छा लाहौर नहीं जाना, बस रहने दो, दूर ही रहो लाहौर से। जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई बायकॉट खुदा ना खास्ता नहीं कर रखा, जाते हैं लोग, मिलते हैं, दोस्तियां भी हैं, रिश्तेदारियां, बिजनेसेस भी हैं, सब कुछ है। बट अगेन देर इज अ लिटिल स्लाइट एक पर्सपेक्टिव सब डिफरेंस। ऑफिस यहां पे भी था? जी हाँ, 3 दफा बनाए, 3 दफा मारे खाई हैं वहां से हाँ लोगों ने, जी तो वो तो खैर मेरी पुराने जख्म है जी सारे, सही उसको ना उखाड़े अभी। तो ये मकसद ये था यहां पर आने का कि सही मैं थोड़ा सा सुकून पसंद आदमी हूं, तो इसलिए वो कराची में बड़ी ज्यादा हसल बसल होती है, लाहौर में भी वही चीजें हैं, तो मैं वो हसल बसल से निकलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि यार यहाँ पे, और कराची में जो हसल बसल से जो हटके इलाके हैं वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं, उस वक्त की तो बात और थी। और प्लस फिर हम ये भी देखते हैं कि मेरे साथ बेटियों का साथ है, मैं सोचता हूँ यार मुझे कोई सेफ इलाका मिले, सेफ जगह मिले जहाँ पे बच्चे बाहर जाए तो मुझे ये टेंशन ना हो कि यार मेरी बेटियाँ बाहर गई हुई हैं। तो फिर हमें, और दूसरा फिर हम जब रिसर्च उस वक्त किया हमने 2020 के बिगनिंग में, तो मैंने ये देखा था कि यहाँ पे वो बहरिया टाउन की काफ़ी बातें उस वक्त होती रही हैं, DHA फेस टू का भी मैंने सुना कि जनाब ये बड़ा DHA 1 और 2 काफ़ी ज़्यादा मतलब गेटेड कम्युनिटी, कराची में DHA गेटेड नहीं है। तो हमें एक वहां और कराची के DHA में जाना, मतलब एक जो बंदा अगर नॉर्थ की साइड पे रह रहा हो तो शायद ही कोई आपको कुछ ऐसे केसेस केस स्टडीज मिलेंगे जिसमें वो ये आप कहें कि यार वो एक बंदा ये कराची में नॉर्थ की साइड पे रह रहा था और ये रातों रात या कुछ ऐसा हुआ ये DHA मूव हो गया। बट आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि नॉर्थ के रेट्स में, रिहाइश के लाइफ स्टाइल में और DHA के लाइफ स्टाइल क्या है वो तो सेम ही है, लेकिन जो बहुत फर्क लिविंग एक्सपेंसेस है ना बहुत डिफरेंट है, लाइक 4 टाइम्स या 3 टाइम्स मेरे ख्याल से हायर होंगे अभी भी। तो इस वजह से वो बंदा, एक नॉर्थ का रहता हुआ बंदा कराची में ही DHA की तरफ मूव नहीं हो सकता इतना आराम से, अनलेस कि उसकी कोई लॉटरी लग जाए या कोई कुछ नए अजूबा ही हो जाए उसके साथ। सही। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी थी कि अच्छा आप इस्लामाबाद मूव हो जाओ तो, और फिर हमने ये सुन रखा था कि अच्छा जी कराची में तो DHA गेटेड नहीं है, यहाँ पे तो गेटेड है, तो एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग भी आती थी। तो हम इसलिए भी मेजर रीजन था कि हम यहाँ पे हमने मूव होने का डिसीजन लिया। बट अदर दैन उस वक्त बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था इतना ज्यादा कि यार मैं, हाँ मैंने आई थिंक 2019 के एंड में कोई अक्टूबर में या किस चीज उस टाइम के अंदर यहाँ पे इवेंट्स किए थे, कुछ सेमिनार और मीटअप शीटअप टाइप का किया था,
तो मैं उसके लिए स्पेशली कराची से यहाँ आया था मेरी टीम के साथ, और हमने लाहौर में आई थिंक किया था, और एक इस्लामाबाद में किया था, और एक दो छोटे छोटे इलाके और भी थे वहां भी किया था। तो हमें थोड़ा सा एक अच्छा मुझे फीडबैक मिला था, लोगों से बड़ी मोहब्बत मिलती है। तो हमने फिर उस वजह से भी सोचा कि यार पंजाब की साइड पे होना चाहिए बंदे को, ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो, दाएं बाएं जाना पड़ जाता है शहरों में कभी कभार। तो उस जमाने से जब मैं यहाँ आया हूँ उसके सही बाद से, तो अगले 3 साल तक तो मेरे ख्याल से, मैं पिछले साल तक तो मैं काफी एक्टिव था, मेरा ट्रैवल मेरे बहुत ज्यादा होते थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया है, बाकी और तो कोई नहीं। सही। हाँ सर, अगर बात करें अमेजोन एफबी होलसेल के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि 2019 की अगर बात करें एफबी होलसेल और 2024 के एफबी होलसेल, सो क्या फ़र्क पड़ा है, क्या ज़्यादा टफ हो गया है, ख़ासतौर पर अगर बात करें ब्रांड अप्रूवल के हवाले से? सो अब ब्रांड अप्रूवल्स मिलना कितना मुश्किल है, और जो स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ करते थे, क्या वही वर्क करती हैं अभी स्ट्रेटजीज़ अब भी? काफी काफी ज्यादा टफ है। उसकी वजह यह है कि ब्रांड्स, जाहिर सी बात है, ब्रांड्स बहुत ज्यादा कॉल्स रिसीव करने लगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान वाला थोड़ी सी, माशाल्लाह हमारे लोग टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश भी बोलने में घबराते नहीं है, कॉल उठा के कुछ भी बोल देते हैं। तो एक ही उनको, तरह की ईमेल चल रही है। हाँ, एक तरह की ईमेल चल रही है, वो पंजाब की साइड से जब कॉल जाती है तो वो अंग्रेजी भी माशाल्लाह पंजाबी वाली अंग्रेजी निकलती है अंदर से। तो वो अगला बंदा, ब्रांड जो गोरा वहां पे बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा ये इस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि यार ये कोई एक कुछ कुछ दुनिया में कहीं पे कुछ ऐसी, कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है जहां से ये बंदे निकल रहे हैं, और ये निकल के आगे हमें उंगली कर रहे हैं। तो वो, उनको ये फीलिंग आ गई है। तो अब वो, उनको अभी तक नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से, कि वो गुत्थी नहीं सुलझा सके कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि मुंह से हम तो नहीं बोल रहे ना कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो माइकल जैक्सन बन के फोन करते हैं। तो जब हम फोन करते हैं सही तो अगले बंदे को ये नहीं समझ आता कि ये बंदा है, क्योंकि उसका अगर, अनलेस देखें, अब आपका वास्ता पड़ा होगा, आप, मैं कराची का बंदा हूं तो मैं आपकी बात सुन के कह दूंगा आगे से, एक फोन पे ही बात करूंगा तो मैं बोलूंगा यार कोई पंजाबी है बंदा सामने, एक बात है ना, लहजे से पता चल जाता है। तो ऐसे यहाँ पे उनके पास ऐसा मसला है कि वो, उनको फोन पे लहजे से भी नहीं पता चल पाता। वो कहते हैं यार पता नहीं कौन है, कहाँ से कॉल कर रहा है, दुनिया के किस हिस्से को कॉल कर रहा है। कहता है मैं वायोमिंग में बैठा हूँ लेकिन बात अजीब तरीके से कर रहा है। तो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि यार ये कोई एक मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे किसी जगह पे गुजरांवाला में बंदा बैठ के मुझे कॉल कर रहा है, या शेखुपुरा में बैठ के मुझे कॉल कर रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, इसकी वजह से इन्होंने चीजें अपनी टफ करनी है, ये समझ नहीं पा रहे। जब तक आप समझा नहीं पाते और वो समझ नहीं पाते, तब तक चीजें ना कॉमिंगल रहती हैं, मतलब उसका कुछ सिरा नहीं मिलता। तो डिफिकल्ट बिल्कुल हुआ है अल्टीमेटली, और इससे मैं ये समझता हूं कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को, अब अगेन उस पर्सपेक्टिव पे आते हैं, जब आप ये कह रहे थे कि, जब मैं ये कह रहा था कि यार फिलिपिनोस क्यों हमें हायर करनी, अब इसका एक और मेजर रीजन सुने। जब एक फिलिपिनो गोरे को कॉल करती है ना, फिलीपींस का फायदा क्या है, इनके बंदे दुनिया में हर जगह फैले हुए, पाकिस्तानियों से ज्यादा फैले हुए, और ये ऐसे लोग, इनके बोलने का जो अंदाज है वो भी अंग्रेजों की टक्कर का नहीं है, लेकिन इनको अंग्रेज जानता है, इनके बात करने से अंग्रेज को ये सही समझ में आ जाता है कि कोई फिलिपिनो है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ जाती है, अगर उसको ये पता हो ना कि कोई पाकिस्तानी है कोई फिलिपिनो है, यहां तक बात समझ आ जाएगी। लेकिन इन दोनों के बाद एक और एलिमेंट उसके दिमाग में आएगा, फिलिपिनो है कोई बात नहीं, पाकिस्तानी है भाई संभल के पाकिस्तानी है। तो वो ये वाला जब एलिमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के देख साथ एक टैग जुड़ा हुआ है ना, दो नंबरी वाला, कि जी कोई कोई फ्राडिया होगा, कोई दो नंबरी होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो इसलिए वो वाली चीजें हैं, वो मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो फिलिपिनो के साथ वो एक, उनकी, उनके पास वो गुड बुक्स में है। तो फिलिपिनो अगर आपकी कंपनी से कॉल करती है कोई, कि जी हे आई एम कॉलिंग फ्रॉम पैसिफिक गुड्स LLC एंड आई एम विलिंग टू डिस्कस विद यू अबाउट हाउ आई कैन ओपन अ ट्रेड अकाउंट विद योर कंपनी, अब वो आगे से ब्रांड को समझ में आ रहा है जी ठीक है कोई अमेरिकन कंपनी है, उसने फिलिपिनो रखी है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका के कस्टमर केयर में आप कॉल कर दें, फिलिपिनो उठाएगी और आपसे, आपको असिस्ट करेगी। अब वो बैंक ऑफ अमेरिका में कितने मिलियन कस्टमर्स हैं उनके पास, और हर कस्टमर अगर बैंक ऑफ अमेरिका के हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा है, फिलिपिनो उठा रही है, तो इसका मतलब कॉमन है ना भाई, फिलिपिनो का होना और बात करना कॉमन है, इट्स फाइन। तो आप भी उनको यूज करें ना, आपको बिजनेस बनाना है। आप अगर ऐसे मुझे कोसते रहेंगे कि मैं पाकिस्तानियों को हायर नहीं कर रहा, गोरी को क्यों या फिलिपिनो को क्यों हायर कर रहा हूं, तो मुझे बिजनेस बनाना है इसलिए हायर कर रहा हूं ना,
मैं खिदमत खल्क में बैठ जाऊं तो फिर बिजनेस नहीं कर सकता, ये मसला है। अच्छा, पिछले दिन आपने ऑडियो भी एक शेयर की थी और बात भी सच है कि गोरों को गोरों की जुबान में समझाना ज्यादा आसान है और मतलब उसमें डेफिनेटली उनको बात भी समझ आती है और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है उस हवाले से, डेफिनेटली जो आप रिजल्ट लेना चाहते हैं वो भी आ सकता है। अच्छा, अल्टीमेट सक्सेस क्या है एफबी होस्टल की अगर बात की जाए तो, क्या ब्रांड अप्रूवल मिलना ही अल्टीमेट सक्सेस है या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ भी जाया जा सकता है या हम इसमें कोई पॉकेट मतलब अपना एक पॉकेट साइज भी देख सकते हैं कि हमारा पॉकेट साइज क्या है। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास अगर $2,000-3,000 हैं तो वो $2,000-3,000 के साथ क्या कर सकता है या अगर उसके पास $10,000+ हैं तो वो उसके हवाले से क्या कर सकता है, तो इसमें अल्टीमेट सक्सेस क्या है एफबी होस्टल मॉडल में, आप क्या समझते हैं? देखें, ईमानदारी वाली बात तो ये है कि $2,000-3,000 वाले बंदे का होलसेल का काम नहीं है, वो तो टेस्टिंग में पैसे फारिग कर देगा और वो $2,000-3,000 से भी जाएगा, तो उसको तो नहीं करना चाहिए। अगर 7,000-8,000 का बजट तो मैं बल्कि 2020-21 से बताता रहा हूं कि भाई $7,000-8,000 का बजट या इससे ज्यादा का बजट होगा तो आपका मुनासिब बिजनेस है। शुरू मेरी खुद की वीडियो बनाई हुई है कि जी किसी ने चैलेंज किया था कि आप $2,000 से होलसेल स्टार्ट नहीं कर सकते, मैंने वीडियो बना के सारा हिसाब करके व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताया था, ये व्हाइट बोर्ड यहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर सारा कुछ समझा दिया था कि जी $2,000 से शुरू हो सकता है, बात शुरू करने की हो रही है, बिजनेस बनाने की नहीं हो रही। बिजनेस बनाने के लिए आपको फिर और पैसे चाहिए, मतलब एक बड़ा धंधा बनाने के लिए, तो बड़ा धंधा बनाने के लिए आपको स्टार्ट करने के लिए उस लेवल पे जाने के लिए $8,000-10,000 चाहिए होगा और वो अभी भी रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह यह है जब यहां पर इसके बाद आप क्या करोगे, आप जाते हो होलसेल एफबीए करने के लिए तो फिर आपको ब्रांड्स चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक अकाउंट मेरे पास एक पार्टनर का चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल से 2 ब्रांड्स हैं बस, और हम उसके लिए ज्यादा हंटिंग भी नहीं कर रहे, बस पुरानी रिप्लेनिश होती रहती है, वो ब्रांड से चीजें मिलती रहती है और आई थिंक इसके ऊपर 2-1.5 साल हो गया और वो अकाउंट कुछ कभी 1,000 कभी 1,200 कभी $1,300 प्रॉफिट निकालता है सैलरी के खर्चे के बाद। 2 ब्रांड्स चल रहे हैं। अब अगर मैं उसके ऊपर बंदे लगाऊं और मैं उसके ऊपर और एफर्ट्स डलवाऊं तो मैं इसको डबल कर सकता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकता हूं, तो ये तो 2 ब्रांड्स है ना, तो ऐसे 2 इसी तरह के 4 ब्रांड्स और डाल दूं तो 1,200 × 1,200 हो जाएगा मेरे पास। तो ये इस तरह के बिजनेस हैं। अब अगर हम एफर्ट्स उस लेवल पर नहीं डालना चाहते, हाँ चैलेंजेस आते हैं, नए लोगों को ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, कम एक्सपर्ट को ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। जो नया बंदा सीख के यहाँ से हमसे जाता है कहीं पे, तो एक बात बड़ी कॉमन सी है समझने की कि जब बिजनेस को आप ये बिजनेस है, इसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी जरूरत है, इसमें दिमाग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और ये भी समझना है कि चैलेंजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस आ सकते हैं। अगर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको PhD करा रही है, उसने आपके सामने किसी इंसान का मुर्दा जिस्म रखा है, आपको समझा दिया इसको यहां से काट तो इसका गुर्दा बाहर निकाल ले और इसके साथ ये काम करना है, तो उसने भी आपको डॉक्टर आप प्रोफेसर ने ये कहीं ना कहीं बताया होगा, भाई मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं, 2 बता दूंगा, 3 बता दूंगा, हो सकता है कोई नई सिचुएशन आपके सामने आ जाए जब रियल टाइम में आप करने लगे। अगले का बंदे का पहले से बोले जी एक बराबर जिस गुर्दे को आप निकालने लगे हो बस वही है बराबर वाला, जो पहले गुर्दा था वो पहले से खराब है, ख्याल रखी आखिरी है। पता चले जी प्रोफेसर साहब ने तो ये नहीं समझाया था, प्रोफेसर तो मंजन था फिर, इसका मतलब हमारा चूरन बेच रहा था, तो भाई तो जिंदगी की आपको कितना पढ़ाएगा कोई। ये आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको बेसिक्स दिए जाते हैं, बेसिक्स के बाद अब आप आगे लेके चलोगे वो एक्सपर्टीज। हमें तो ये भी सुनना पड़ा है कि आप हैंड्स ऑन नहीं करवा रहे, किसी ने एक जमाने में आप ही के शहर से आवाज लगाई थी हैंड्स ऑन भी कराएंगे आपसे, तो वहां से फिर वो हैंड्स ऑन की आवाज लग पड़ी। अच्छा चले कोई बात नहीं, हैंड्स ऑन क्या था जी, Amazon के ऊपर लाइव सिखाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो सेशन के अंदर जब 2017 में सेशन कर रहा था तब से हैंड्स ऑन करा रहा हूं, इसका मतलब तो मैं तो लाइव करा रहा था उस वक्त बैठे। अब स्टूडेंट आके हमें गले में आते हैं, नहीं जी आप लॉगिन करके सेलर सेंट्रल दिखाएं। बेटा मैं आपको दिखा देता हूं लेकिन कितने दिखाऊंगा, आप देख लोगे फिर आप जाके अपने 4 दोस्तों को बताओगे, वो मेरे सेलर सेंटर के पीछे लग जाएगा मेरे स्टोर के, वो मेरे स्टोर की माँ बहन एक कर देगा, ऐस नेस करोगे, जिससे आप सीखोगे आप उसी की मारोगे फिर, तो ये सब भी तो आप ही करोगे ना, तो मैं कैसे कर सकता हूं आप पे भरोसा, आप मुझे इसका जवाब दे दो। तो यहाँ पे तो हमारे सेशंस को रिकॉर्डिंग्स को मिसयूज भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, ऑनलाइन चीजें हो रही है, तो पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट ओरिजिनल क्वेश्चन के जी, तब्दीली बहुत सारी है काम करने के लिए, इसमें आपको बिजनेस बनाना है तो आपको पैसे अच्छे चाहिए, $8,000-10,000 तक चाहिए। आपको सबसे ज्यादा महारत जो चाहिए वो अपने ताल्लुकात बनाने पे चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है,
आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है, आप मतलब फ्लुएंसी के साथ और पेशेंस है, सबर है, तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हो। इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं है तो कहीं ना कहीं पे आप किसी को हायर कर सकते हो, लेकिन सबर करने के लिए किसी को हायर नहीं कर सकते, वो आपके अपने अंदर होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस से बाहर आए। सही। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई फिजिकल बिजनेस होता है, like, suppose आपने कोई किसी बंदे ने कोई दुकान खोली है या कोई भी बिजनेस किया है तो वो क्या कर रहा है कि सुबह दोपहर शाम अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है। अगर दुकान भी खोली है तो भाई सुबह 6 बजे शटर ओपन करना है और बाय ग्राहक आए ना आए आपने दुकान खोलनी है, बस चलना है। सो इस बिजनेस को लोग ना ऑनलाइन बिजनेस को थोड़ा शॉर्टकट की फॉर्म में ले रहे हैं। हम मतलब एज ए पाकिस्तान मतलब यहाँ पे लाहौर में भी एज ए इंस्टीट्यूट के तौर पे भी अगर आप देखते हैं तो हमारे पास भी जब स्टूडेंट्स आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि यार ये मेंटोर को एक दफ़ा फीस दे देनी, तो एक दफ़ा ये मेंटोर को जब पैसे दे दिए तो बस अब मैं इसके हवाले हूँ, अब सारी जिम्मेदारी जो है वो इस मेंटोर की है, ये स्याह करे सफेद करे, बस मैंने इसे जवाब तक भी ले लेनी है। मतलब एक परसेप्शन इस तरह की बन गई है कि जी मैंने खुद कुछ शायद उस तरह का नहीं करना, बट ये एक ऐसा है बिजनेस के तौर पर ही ज़्यादा लिया जाए। सो अब आपको क्या लगता है कि वो हम क्यों एज ए सब लोग जो हैं वो शॉर्टकट की फॉर्म में हम ऑनलाइन बिजनेस को ये क्यों समझते हैं कि यार ये कोई शॉर्टकट है, ये कोई जुगाड़ है जो बस थोड़ी देर चलनी है और ले जानी है। मतलब हम मतलब मैं आपको बताऊँ सिंपली हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं जी फीस जमा करवाई और वो घर में कह के आ जाते हैं कि माँ जी एक बार मैंने फीस दे दो बस उसके बाद आप देखें डॉलर ही डॉलर होता है। और वही बात है कि 1-2 महीने बाद वो घर में इतना प्रेशर लेके आ जाते हैं, उन्हें पूछना शुरू कर देते हैं, वो घर वाले पूछना शुरू कर देते हैं कि तू तो कह रहा सी डॉलर आने, वो डॉलर तो तू तो साढ़े को पेट्रोल के पैसे भी ना लेके जा रहा है। तो मतलब वो अगर देखा जाए सिनेरियो तो वो इस बिजनेस को इस ऑनलाइन बिजनेस को शॉर्टकट की फॉर्म में मानते हैं, इसको कोई रियल टाइम बिजनेस मानने को तैयार नहीं है। तो इसको वो इसमें खैर यूट्यूब का भी कसूर है, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं जी फलाने ने $1,000 कमा लिए, $1,00,000 कमा लिए, और कुछ लोग जो हैं वो इसको बिल्कुल रियलिटी वे समझ के वो इसमें आते हैं और कहते हैं जी बस ये तो 5 मिनट की गेम है, बस मैंने एक ऑनलाइन अकाउंट खोलना है उसके बाद ये मेरा बिजनेस स्टार्टअप होना शुरू हो जाना है। इसको ये एक मेजर इशू है। होता क्या है कि देखें मुझे ना 2019-20 में अपनी ट्रेनिंग बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती थी। अभी भी आप जो ESP का फेसबुक ग्रुप साइज है ना वो देख लें, और दूसरे भी ग्रुप्स हैं बहुत सारे माशाल्लाह बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप में अवाम ऑर्गेनिकली नहीं आई है, महीने का हजारों हजारों के डॉलर्स की तादाद में मतलब अमाउंट्स में पैसा लगा है तब जाके इतनी अवाम आई है। 2,40,000 का ग्रुप 5 साल के अंदर जाके, 42,000 का ग्रुप 5 साल में जाके, 6 साल में मेरा ख्याल जो भी हुए, तो ये उस टाइम का है। मैंने तो उस ग्रुप की एडवर्टीजमेंट चलाई नहीं, टेस्टर कभी लगाया हो ऐसे ही फेसबुक के एल्गोरिथम्स चेक करने के लिए, चलो लगा लो $50-$100 तो हमने किया होगा, लेकिन हमने हमने नहीं किया। और 19 के अंदर आई थिंक पूरे तक तो मैंने कभी एड ही नहीं चलाया था कि जी हमारा कोई हमारा ये वाला कोर्स ले लो, वो ऐसे ही इतना अच्छा बिक रहा होता था तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर कि बहुत सारे दूसरे जो अगेन वही मछली गंदी साफ मछली वाली बात, तो उसमें से जो पुरानी मछलियां या नई मछलियां भी गंदी आई वो एक्टिवेट हुई, उन्होंने चीजों को बड़ा चढ़ा के पेश किया। जब आपको ये दिखाया जा रहा है कि जी एक फलाना इतना सा कम उम्र, अभी भी आती है मैं देखता हूँ कभी कभार फेसबुक पे रील आ जाती है जी वो एक बच्चा बैठा हुआ है और वो कह रहा है तो उसी काम कोई नहीं कर रहे तो तुम ये देखो तुम पे तो लानत है तो तुम ये करो, तो मैं तो देखो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 15 लाख कमा रहा हूँ। तो इस लेवल पे आप जब आके और स्पेशली जब आप लोगों को हकीर की नजरों से बोलोगे तो उसके 2 किस्म के रिजल्ट निकलेंगे जो मुझे नजर आते हैं। या तो वो वाकई में सही राह पे अमल कर लेगा आपकी बात सुन के, या फिर वो आपकी बात सुन के इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि वो पिस्तौल उठाएगा जाके किसी को लूटेगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए अब, और वो पैसा उसको खाना खाने के लिए नहीं चाहिए, वो पैसा उसको अय्याशी करने के लिए चाहिए, वो वाली जो आपने उसको वीडियो में दिखाई है। अच्छा, टेक्निकल सवाल है कि ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलते, तो आजकल बहुत सारी बातें की जाती है कि ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलते, तो ब्रांड अप्रूवल क्यों नहीं मिलते, आया इसको हम ब्रांड को कैसे बताएं हमारे व्यूवर्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो किन बेस के ऊपर हम ब्रांड को कन्विंस कर सकते हैं आप ऐसा देना चाह रहे हैं लेकिन ब्रांड फिर भी अप्रूवल नहीं दे रहा, ऐसी क्या वजह है कि हम ब्रांड्स को बता सकते हैं कि जी हम आपके लिए ये करेंगे, अदरवाइज ब्रांड्स को तो डेली कॉल आ रही हैं, सो ब्रांड को कैसे कन्विंस कर सकते हैं हम, वो जो है कि सूखे में मिल मारिया वाला सीन नहीं है, तो ब्रांड्स को कन्विंस करना पड़ेगा हमें, सो वो बताएं हमें कि वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं। देखें जो दरमियाने या बड़े ब्रांड्स हैं ये US के वो वाले ब्रांड्स हैं जिनकी सप्लाई चेन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुई भी है,
इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए में, एक डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटर भी अमेरिकन ही है प्रॉपर, जो बैठा हुआ है वेयर हाउस वगैरह लेके, वो जाता है इनके पास और ब्रांड आगे से कहता है कि भाई मेरा ओपनिंग ऑर्डर $25,000 का है और हर महीने तुमने मुझसे $20,000 या $10,000 की परचेसिंग कर दी है। वो कहता है मसला कोई नहीं है, दे दे। अच्छा, अगर तगड़ा ब्रांड है जिसकी इन्वेंट्री अच्छी चल रही है तो 25,000 क्या 50,000 का ओपनिंग ऑर्डर भी डाल दे, 10,000 महीने का बजाय वो 50,000 महीने का इन्वेंट्री भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मूव कर देगा। अब ब्रांड के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, ब्रांड के पास माल कभी कभार कम पड़ जाता है, ऑर्डर पहले आया हुआ पड़ा होता है, वो कहता है जी बस आ रहा है, वो दड़ाधड़ शिपिंग तेज करवाता है अपनी चाइना से या जहां से भी मैन्युफैक्चर करा रहा है, वो अपनी इन्वेंट्री को तेजी से मूव इन करता है। वो मूव इन इस तरह कर रहा होता है कि मूव इन होते होते वो अगला डिस्ट्रीब्यूटर पहले कह देगा उसका पिछला ऑर्डर भी पेंडिंग पड़ा होगा, आगे से हो सकता है वो ये कह दे अच्छा जी मुझे आप एक काम करो मेरे और क्वांटिटी और बढ़ा दो, तो वो कहता है भाई मेरा ये कंटेनर आ रहा है, काम कर मेरे पास अनलोड कराने के बजाय डायरेक्ट तेरे पास ही रखवा देता हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है आन दियो, तो वो पूरा पूरा कंटेनर डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने पास अनलोड करे बगैर कहीं ना कहीं निकाल देता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी सप्लाई चेन सेट हुई हुई है। अब इस लेवल का बिजनेस चल रहा है, उसके ऊपर अगर एक यूनिट के ऊपर वो ब्रांड $3 या $5 भी मैंने मरे से मरा कमा रहा है और वो पूरे कंटेनर के अंदर अगर 5,000 यूनिट्स मूव कर रहा है और महीने के कितने कंटेनर इस तरह के मूव कर रहा है, आप इमेजिन करें कि आप और मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी जाके उसको कॉल करता है और कहता है भाई मेहरबानी 24 पीस दे दे, तो वो आपको कहां पे रखेगा? तो अब आप इस पे सोचो, अब मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि आप मुझे यही कहोगे ना कि भाई मैं तो कंटेनर तो नहीं ले सकता, जो कि हकीकत भी है, तो हमें तो वही चाहिए, 24 चाहिए, 50 चाहिए, 100 पीस चाहिए, हमें जाना पड़ता है ऊपर से क्योंकि मैं कॉल करता हूं किसी ब्रांड को तो मैं तो प्रोडक्ट पकड़ता हूं, मैं कहता हूं भाई ये वाला प्रोडक्ट है, बोया का माइक है, बोया को फोन करूंगा भाई साहब ये वाला प्रोडक्ट है आपका, मुझे इसके 5,000 यूनिट्स चाहिए, बताओ क्या रेट्स दोगे? आगे कोई बात ही नहीं, मैं कौन हूं नहीं पता, मैं कहां से फोन कर रहा हूं नहीं पता, भाई साहब 5,000 यूनिट चाहिए इसका, बताओ कैसे दोगे और कितने का मिलेगा? अगला ब्रांड सोच रहा है कोई बड़ी फिल्म आई है, अब इसके साथ बात फिर बोलेगा ओके सर मैं आपकी बात करवाती हूं किसी बड़े चौधरी से हमारी कंपनी के, वो खुद भागती फोन उठा के भागती भी जाएगी, वो फोन आपको किसी के हाथ में देगी, फिर आप बात करेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग। तो ये तरीकेकार हैं थोड़े से ब्रांड्स को उलझाने के, कन्विंस करने के, और अल्टीमेटली लेकर हम आएंगे उसको वही 24 पीस पे, लेकिन शुरू 5,000 से करेंगे हम, तो वो अलग बात है कि फिर हम स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं जहां जहां पे कि अच्छा भाई ऐसे नहीं वैसे कर लो, फिर टेस्टर पे ले आते हैं उसको, तो वो आ जाता है कहीं ना कहीं। इसमें भी जाहिर सी बात है 100% फुल प्रूफ तो नहीं है ये सोल्यूशन भी, लेकिन ज्यादा चल जाता है कहीं, कहीं नहीं चलता, तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, कोई कहीं कहां पे किसी जगह पे कोई स्ट्रेटेजी चल जाती, किसी जगह पे कोई चल जाती, लेकिन ये समझ लें कि क्यों वो आपके साथ काम नहीं कर रहा, उसकी मेजर रीजन ये है। दूसरी बात कि आपकी और मेरी अंग्रेजी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वो ब्रांड को आदत है बात करने की, स्पेशली एक्सेंट की, जब अमेरिकन एक्सेंट है या यूके ब्रिटिश एक्सेंट है। सही, डेफिनेटली। अच्छा, स्किल पांडा का ख्याल कैसे आया कि मुझे एक स्किल पांडा में, आपने डिफरेंट कोर्सेज भी डाले हुए, सारा कुछ किया हुआ, लोग उसमें आ भी रहे हैं, तो उस पूरे चैनल्स को आपने कैसे ख्याल आया कि यार इसको आप मुझे थोड़ा सा इधर जाना चाहिए और एक ही वेबसाइट के थ्रू लोगों तक जहां तक आपकी आवाज़ नहीं भी पहुंच रही या जहां तक आपके कोर्स नहीं लिए जा रहे थे डायरेक्टली यहां तक फ्री में लिया जा सकता है, कोई करना चाहे तो आपके उसके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं, काम तो कर सकते हैं। देखें हमारे पास VSC वीडियो सक्सेस कैंप हुआ करता था और आप कह सकते हैं वो हमने देखा देखी में हमने भी बना दिया था, टीचेबल के ऊपर होस्टेड था, उसके ऊपर कुछ हमारे प्रोग्राम्स थे थोड़े बहुत, तो लेकिन वो उसमें एक सरदर्दी ये थी कि हमने मुझे मैंने ना चूंकि हम सारे चीजों को ग्रुप्स में हम भी थे उस वक्त, अब तो खैर नहीं होते, कोई किसी ग्रुप में नहीं होता, तो उस वक्त हम ग्रुप्स में थे तो एक दूसरे में ये देखा नहीं पाकिस्तानियों को सिखाना है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बेड़ा उठा रहा हुआ है जनाब, बस बाहर के किसी इंडियन को ना चली जाए हमारी वीडियो, इंडियन ना देख ले तो वो सीख लेगा तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, ये सारी दिमाग में फतूर भरे हुए थे। तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है मुझे तो जल्दी शऊर आ गया, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है मुझे इन सब चीज़ों में, तो मुझे इस चीज़ का शऊर पहले ही आ गया था, लेकिन हम उसको चला रहे थे, हम VSC वैसे ही दे दिया करते थे भाई, कोई भी आ रहा है हम नहीं देखते थे कहाँ का इंडियन है, कोई बांग्लादेशी है भाई दे दो यार सीख लेगा ना कोई नहीं,
फिर वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट बन गई, उसको फिर भी उसकी रिक्वेस्ट आना, उसको प्रोसेस करना, कभी कोई रह जाती थी तो आगे से वो जाके ग्रुप में लिखता था भाई तुम लोग जवाब नहीं देते ये वो। तो हमने, मेरे पास, मैंने एक डोमेन ये परचेज कर रखा था, मेरी आदत है गोडैडी पे कभी फालतू टाइम होता है मेरे पास तो मैं गोडैडी के ऑप्शंस में चला जाता हूँ, वहां जाके डोमेन सर्च कर लेता हूँ, कोई पसंद का डोमेन मिल जाता है मैं उठा के वहीं रख लेता हूँ, मुझे शौक है डोमेन्स जमा करने का। तो मैंने ये स्किल स्पेंडा के नाम से मुझे मिल गया था, मैंने दे के रख लिया और अच्छा डोमेन लगा मुझे। तो फिर मुझे उस वक्त जब ये सिचुएशंस में चल रहा था तो मैंने कहा यार बेहतर ये है कि आप हम इसको एक फुल ऑन अपना प्लेटफॉर्म बना दें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम यहाँ पे भी दे रहे हैं तो हम उसमें जितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं वो कम करके हम वहां पे डाल दें ताकि हर कोई आए, सिंपल वो अपना वन क्लिक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो रजिस्टर करे और वो पढ़ना सीखना शुरू कर दे। इसमें हमें किसी से कोई जब पैसे लेने की उस वक्त भी नियत नहीं थी तो यहाँ पर भी नहीं है, तो बस ऐसा होना चाहिए। इसमें अलबत्ता हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ गए क्योंकि उसको होस्टिंग प्रोवाइड करना, फिर हमने 3-4 दफा तो उसको माइग्रेट किया इधर उधर, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो क्योंकि हम जाहिर सी बात है इनिशियली उस पर हमने ये सोचा कि नहीं यार अभी क्योंकि फ्री प्रोग्राम है, फ्री फ्री प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगाने, ये इसको चलाएंगे कैसे। तो महीने का कोई उस वक्त 100-200 डॉलर स्पेंड हो रहा था, फिर उसको हमने थोड़ा और बढ़ाया बढ़ाया, तो अभी जाके हम अल्लाह का शुक्र है कि अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले गए जो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारी उस लेवल पे जान छूट गई कि अब हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स में उसके नहीं है, मतलब हमें परेशानी नहीं है वो वाली। तो ये अब फाइनली हमने उसको वहां मूव कर दिया, वो थिंकिफिक के नाम से प्लेटफॉर्म भी है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो अब वो ठीक है, उसमें वो हमारे उल्टे खर्चे कम हो गए और पहले हम खर्चे ज्यादा कर रहे थे, अब यहाँ पे खर्चे भी कम हो गए क्योंकि हमारी सारी वीडियोस लेक्चर सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और हमने बस सिंपली उसको यहाँ पे लिंक कर दिया। तो जो बंदा चाहे वो यूट्यूब से भी, और यूट्यूब पे भी खैर जब स्किल्स पैंडा को स्टार्ट लिया था तभी डाल दिया था तो फ्री कर दिया है, सारी वीडियोस फ्री हैं, प्लेलिस्ट वहां पे भी बनी है, जो बंदा वहां से देखना चाहे देख ले। यहाँ बस ये फायदा होता है कि एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन गए, आगे हमारा प्लान ये है कि इसके अंदर और भी प्रोग्राम्स एडअप होंगे क्योंकि मैं तो इनवाइट करता हूँ लोगों को कि अच्छा जी आप किसी स्पेसिफिक चीज के ट्रेनर हो और आपका एक्सपीरियंस है तो हम एक छोटी सी आपकी टेस्ट की वीडियो शीडियो देखते हैं, अप्रूवल रिव्यू करते हैं और फिर अप्रूवल हो जाती है तो फिर आपको अलाउ कर देते हैं कि आप आए, आप अपना कोर्स इसके ऊपर लोड कर दें, सारा अपलोड कर दें। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको रेसिप्रोकल आपको लोग जानेंगे, आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये फायदा बहुत सारे लोगों ने पहले भी उठाया भी और अभी भी मिल रहा है। तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है, इसके अंदर अब इंडियंस भी काफी सारे हैं, बांग्लादेशी भी हैं, लेकिन हर कोई अपने नसीब का कमा रहा है, हमें क्या करना है इसमें। सही। अच्छा Amazon से फिर आपने इट्से की भी बात की और इट्से को भी काफी आपने अक्सर स्क्रीनशॉट्स आप लगाते रहते हैं गुड मॉर्निंग की और जिसमें लोगों का दिल भी जलाते रहते हैं कि एक बताते रहते हैं कि कैसे आपकी वो अर्निंग माशाल्लाह हो रही है। उसके बाद आप Shopify को भी मतलब कर रहे हैं, मतलब ये सारा अगर चैनल देखा जाए बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोगों के पास वाकई पैसा नहीं है और वो बिजनेस नहीं करना चाह रहे, इसको फ्री लांसिंग के तौर पर देखना चाहिए या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर। तो आपको लगता है फ्री लांसिंग कोई करियर भी है, मतलब आप इस पे कोई करियर बना सकते हैं या ये जुगाड़ है जब तक लगती है आप लगा लें उसके बाद फिर आप कोई और नौकरी ढूंढें या कोई अपना बिजनेस करें? तो फ्रीलांसिंग को पाकिस्तान में तो प्रमोट किया ही नहीं जा रहा ना, उस लिहाज से भी देखा जाए तो फ्रीलांसिंग को देखें, मेरा करियर भी फ्रीलांसिंग से शुरू हुआ है, 2002 की बात है। तो फ्रीलांसिंग तो मैंने भी की, फ्रीलांसिंग से आपका करियर शुरू हो जाता है। अब दो तरीके से काम होता है, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वन मैन शो के ऊपर मिलियनर बने बैठे हैं, यानी कि फ्रीलांसर हैं बिजनेस। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन भी एक चीज होती है ना, तब एंटरप्रेन्योरशिप के अगर जरासीम है आपके अंदर तो फिर तो आप इसको उस लेवल पे ले जा सकते हैं कि एक वन मैन शो के होते हुए आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लें अपने अंदर और आपकी सारी टीम वर्चुअल हो। जैसे मैं आपको ऐसे गोरों के नाम बता सकता हूं जो अकेले US में बैठे हैं काम कर रहे हैं और पूरी टीम फिलीपींस के अंदर है और फिलीपींस के अंदर टीम जो चल रही है वो सारी कोई 20-20 लोग, 25 लोग, किसी के 100 लोग, इस तरह बड़ी बड़ी टीमें बना के बैठे हुए और रिमोटली काम करवा रहे हैं और वहां वन मैन शो के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं कि बस जी मैं हूं, लेकिन एक्चुअली में तो पीछे टीम है जो ऑपरेशंस देख रही है, जो टेक्निकल साइड भी देख रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उनको पता है कि जी मुझे पैसा बनाना है और वो पैसा कैसे बनेगा, मुझे यहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ना है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है तो अमेरिका के अंदर वो अगर अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए या कोई एड्स लगा के सोशल मीडिया के थ्रू या फिजिकल कुछ भी करके वो क्लाइंट्स को घेर लेता है। और वहां पे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, हम ऑटोमेशन के प्लान्स एक्सेप्ट करते हैं जब पहले अमेजोन का कर रहे थे, अब दूसरे प्लेटफॉर्म से जाते हैं,
$5,000 हमारी साइन अप फी है, उसमें मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ती है। मैं आपको ऐसे गोरे बता सकता हूं जिनका ऑटोमेशन का प्लान $28,000 से शुरू हो रहा है, सिर्फ साइन अप फीस है, कुछ भी नहीं दे रहा उसमें, बस जी बंदे लगा दूंगा काम करेंगे और 35% में अपना प्रॉफिट ले लूंगा, और महीने की $1,800 से $2,000 फीस भी ले रहा है उसके बाद। वो कहता है इससे नीचे की आप बात करो तो मेरे से बात नहीं करो, मेरे पर टाइम नहीं है। और हम यहाँ $5,000 चार्ज करने की बात करते हैं तो उसमें हमें बड़ी सारी सुननी भी पड़ जाती। वो ठीक है कि मार्केट साइज, करेंसी, इकोनॉमी, ये सब चीजें मैटर करती हैं, बट एटलीस्ट हम अगले बंदे को भी समझना है कि ठीक है जी उसकी फीस है। यहाँ पर इशू यही आ जाता है अगेन के बंदे के पास अगर पैसे नहीं है तो वो फ्रीलांसिंग करे, बेशक करे, लेकिन उसको वो किस लेवल पे लेके चलना चाहता है, क्या वो उसको बिजनेस बनाना चाहता है या जिंदगी भर फ्रीलांसिंग के तौर पे ही चलना है। अगर वो बिजनेस बनाएगा तो जी बिस्मिल्लाह, फिर तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया, कुछ चंद अरसे बाद मैंने एक छोटा सा ऑफिस किराए पे ले लिया, फिर अपने भाई के साथ, पहले तो भाई के साथ जाके बैठ गया, फिर अलग से एक नया ऑफिस लिया, तो एक टेबल भाई साहब ने दे दी थी, हम एक छोटा सा कमरा उसके अंदर हम बैठ गए, फिर हमने एक बंदा रखा, फिर दूसरा बंदा रखा, तो फिर इस तरह एक्सपेंशन होती गई, तो आगे जाके प्रॉपर कंपनी बन गई। 2003 में मैंने पहली कंपनी रजिस्टर करा ली थी स्टारकॉम सिस्टम्स के नाम से, वो अभी भी रजिस्टर्ड, अभी भी इस्तेमाल में मेरे, तो ये तब से इतनी पुरानी मेरी कंपनी है और ये स्पेशली फ्रीलांसिंग के काम के लिए मैंने बनाई हुई थी। तो बिजनेस करने वाली बात है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो बिस्मिल्लाह। आपने पिछले दौर में आपने इमरान खान साहब के साथ भी सिटिंग की, उनकी टीम के साथ भी सिटिंग की, और आप और काफी एक बड़ा ग्रुप था जो पाकिस्तान में अच्छा एक असर रसूख रख रहे हैं एक है। तो क्या फर्क है वो उस टाइम कोई बात आपकी सुनी जा रही थी, बिकॉज फ्रीलांसिंग में बड़ा मैटर करता है ये पेमेंट गेटवेज, तो पाकिस्तान में तो कोई ऐसा पेमेंट गेटवे अलाउ ही नहीं हो रहा है ना जिसना पेपॉल है या बाकी चीजें हैं, तो यहाँ पे तो बड़े और मसाइल भी घिर जाते, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई सीरियस है काम करने को, या बस वो एक मुलाकात थी, बात हुई, उसके बाद खत्म हुई, सब कुछ बदल गया, या कुछ हो रहा है इसके पीछे बैकडोर पे कुछ चीजें चल रही हैं? नहीं देखिए, उस वक्त तो इनके साथ जब हुआ पिछली जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, मुझे ऐसा लगता है दूसरों के मुकाबले में तो बेहतरी थी। उसकी वजह यह है कि हमें नजर आ रही थी चीजें, प्लस अमेजोन के लिए जब उन्होंने एफर्ट्स डाली तो अल्टीमेटली उन्होंने टीम बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इंगेज किया, फिर उन्होंने वहाँ पे US में, वॉशिंगटन के अंदर, सिएटल में काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज की और उन्होंने फिर अल्टीमेटली उस लेवल पे जाके इसको करवाया। उनको बकौल उनके 6 महीना तकरीबन इनको लग गया इस सारे प्रोसेस के अंदर, तब जाके अमेजोन May 2021 में उसने पाकिस्तानी सेलर्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वैसे पॉलिटिकली मैं डिस्कस नहीं करता और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं भी नहीं, मैं तो बस ये देखता हूं कि अच्छा जी क्या मुझे सही नजर आ रहा है और क्या गलत नजर आ रहा है। तो उस वक्त मुझे ये नजर आया कि अच्छा जी एक पार्टी ने इतना एफर्ट डाली कि अमेजोन से पाकिस्तानी सेलर को एक्सेप्ट करवा लिया, तो ये एक अच्छी बात हो गई ना, पूरे मुल्क के लिए अच्छी बात हो गई, पूरी कौम के लिए अच्छी बात हो गई। तो अगर जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लगता है उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे लगता है कि अगर और टाइम मिलता तो और अच्छा ही कुछ आती। हमें बुलाया गया, हमसे हमारे साथ बैठे, चलो 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, लेकिन एटलीस्ट वहां टेबल तक तो बात आई ना, कि टेबल टॉक तक तो बात आई, तो शायद और मौका मिलता तो टेबल टॉक से बात शायद और आगे निकल जाती। बकौल तो उन लोगों के तो बहुत सारे और भी उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, इसी कॉमर्स के डिवीजन के अंदर भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं ऐसा बताया गया है। तो खैर हम, मैंने वेरीफाई चीजें नहीं की हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने उस डोमेन की बात करूं जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और जो पब्लिकली सामने नजर आ रहा है कि हाँ जी अमेजोन सेलर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है ऐसा हुआ है। लेकिन दूसरी जगह पे अगर नई अभी की जो सियासत की बातें हैं सारी उसमें देखा जाए तो उम्मीदें काफी कम है, लेकिन लगाई भी फिर भी हैं उम्मीदें, देखें अल्लाह मालिक क्या होता है। सही। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स को माशाल्लाह आपने कैप्चर भी किया, लोकल मार्केट में आपको क्या लगता है पोटेंशियल नहीं है, या वो कन्वर्जन रेट जो समझ आता है जो डॉलर से रुपीज में जाता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, या कुछ जो छोटा सेलर है वो अगर इस मार्केट को भी देखता है पाकिस्तानी मार्केट्स को तो यहाँ पर भी तो पोटेंशियल हो सकता है क्या, यहाँ सेलर बायर दोनों डरे हुए हैं? पोटेंशियल तो काफी है, लेकिन इशू ये आता है कि हमें जो एथिकल वैल्यूज के ऊपर, जो बिजनेस एटिकेट्स हैं, उन सब चीजों पे बहुत सारी बातें जो मैं कर सकता हूँ, ये पॉडकास्ट पर हमारा मजीद 1 घंटा और ले जाएगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मार्केट में पोटेंशियल है, बट द इशू इज के वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, सेलर भी बायर भी।
बाहर, और जब तक वो आपकी डिजिटल पेमेंट्स आम नहीं होंगी ना, जो प्लास्टिक मनी आम नहीं होगी इतनी ज्यादा, उस तब तक आप इसको इस कंट्री में ई कॉमर्स को इतना ज्यादा फ्लरिश होते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो जो फेल डिलीवरीज सबसे ज्यादा मारती है सेलर को, फेल डिलीवरीज, क्योंकि फेल डिलीवरीज सेलर को कॉस्ट करती है, और फेल डिलीवरी से रिटर्न आना एक अलग बात है। रिटर्न आने मतलब कस्टमर ने एक्सेप्ट किया और किसी वजूहात की बिना पे उसने रिटर्न कर दिया, तो ये एक एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन फेल डिलीवरीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें फिर आपके लिए बड़ा मसला बनता है और पैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी कुरियर कंपनी आप यूज कर रहे हो, वो डिलीवरी ट्राई की है उससे, उससे पैसे तो चार्ज करेगा ना वो आपको, और वो सेलर को चार्ज करता है इसके लिए। और फिर अगेन वही रिटर्न आने में भी एथिकल इश्यूज भी हैं वहां पे, फिर लोग बेईमानी भी कर रहे हैं, बायर भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वो मामला कर देता है कि सेलर को नुकसान हो रहा है, सेलर भी कर देता है कि बाज़ औक़ात सेलर के नाम पे फेसबुक का पेज बना के ऐड लगा के लोग ऑर्डर्स ले लेते हैं, और फिर पता चलता है कि जी कोई वही कोई ऐसी वैसी चीजें भिजवा देते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो ये सब मसले मसाइल भी हैं। तो मैं तो खैर नहीं करता लोकल बिजनेस, और मुझे कोई पोटेंशियल जितनी एफर्ट्स डालनी पड़ रही हैं यहाँ पे और उसके एवज में जो रिवॉर्ड है वो वर्थ नहीं है, तो जितनी उतनी एफर्ट अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं अमेजोन पे डालूं या एटसी पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो जो रिवॉर्ड है वो तो मल्टीप्लाई हो गया ना 280 से, तो ये सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है आपको। सही, खुद आपके साथ बहुत मैं देखता हूँ पोस्ट में हाथ होते हैं, आपका नाम यूज करके लोग बड़ी बड़ी पेमेंटें भी ले रहे हैं, कुछ आपकी भी शेयरिंग होती है कि यार मेरा नाम क्यों यूज किया जा रहा है, ये अक्सर मैं देखता हूँ आपकी पोस्टों में चल रहा होता है। वो मुझे ना किसी ने, लोग शरीफ समझते हैं कि यार ये कोई शरीफ आदमी, यही जवाब देने लगा था मैं आपको कि किसी ने मुझे कहा कि सर आप ना बड़े शरीफुन नफ्स आदमी हैं, मैंने कहा वो मुझे पता है कोई नई बात बता, तो कहता है सर वो आपके नाम पे बिल फट रहे होते हैं मसले की। तो हम पहले हमने कैंपसेस भी बनाए इधर उधर ये सब किया, लेकिन वो उसके बाद फिर कैंपस अभी बीच में भी कहीं से मुझे खबर आती रहती है कि जी फलां शहर में फलां जगह पे आपके नाम का कैंपस बना हुआ है, मैंने आपका कैंपस है वहां पे ऑफिशियल, मैंने कहा नहीं, तो कहते हैं सर वो आपकी तस्वीर भी लगी हुई है, मैंने कहा वो कायदे आजम की तस्वीर जिस तरह सब लगाते हैं मेरी भी लगा लेते हैं इसमें क्या हो गया, तो बोला सर वो आपके नाम पे पैसे भी ले रहा है, मैंने कहा देखो अब कर सकते हैं जहां पे कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं, कुछ जगह पे हमने की भी है कानूनी कार्रवाइयां, लेकिन अब जाहिर सी बात है हर जगह रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर पता चलता है, जहां से रिपोर्ट नहीं आती वहां से नहीं आती, जहां आती है फिर वहां हम बजाते भी हैं जाके, तो ये है। लेकिन बस वही वाली बात है, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, और हम तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि आपको अगर आप कहीं पर भी पेमेंट, कैश की पेमेंट तो हम मतलब रेकमेंड करते ही नहीं, इनकरेज करते ही नहीं कि किसी को कैश हाथ में दिया जाए। सिंपल सा तरीका है ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड का बैंक अकाउंट है, आप अगर उस पर पैसे डलवा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पैसे हमारे पास आ रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है कंपनी जवाबदेह है किसी भी जो भी मामला आपके हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी के बंदे के हाथ में कैश पकड़ाए हुए हैं तो फिर हमारी जवाबदारी हो नहीं सकती, क्योंकि नाम पे तो कोई भी ले ले आप दे देते हैं तो फिर तो वो बड़ा मुश्किल काम है। सही, पर एक पर्सनल सवाल जी, वो सारी जर्नी में खुद कितना कमा रहे हैं, ये हम अपने हर पॉडकास्ट से गेस्ट से पूछते हैं। खैर नंबर्स बताना तो मुश्किल काम है, लेकिन मेरी अभी भी जो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी इनकम जो हमारी होती है वो बिजनेस से होती है, ट्रेनिंग से नहीं होती है। हाँ एक ज़माना था जो 2019-20 का, जब हमारी हमारी इनकम ट्रेनिंग लेवल पे ज़्यादा हो गई थी और अपने बिजनेस से कम थी, लेकिन अपने बिजनेस के ऊपर फोकस वैसे ही जारी रहा और स्ट्रेटजीज चेंज की तो और इम्प्रूव हो गया। ट्रेनिंग में तो मैं ट्रेनिंग अभी भी आप हमारी उठा के देखें तो हमने कोई इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते ट्रेनिंग, सो हम जो ट्रेनिंग, हाँ शॉपिफाई की मैंने बात की है वो फ्री है सारा कुछ, शॉपिफाई का पेड प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं किया हमने, हालांकि मेरे पास ट्रेनर्स भी मौजूद हैं और मुझे कहते भी हैं कि सर शुरू करें उसको कराएंगे वो, लेकिन अभी तक पेड प्रोग्राम हमारा सक्सेस कैंप है बस, और उसमें ये होता है कि हम एक्चुअली से ट्रेनिंग दे रहे हैं। सक्सेस कैंप ईबे का भी है और अमेजोन का भी है, एटसी का भी था, लेकिन चूंकि हमने उसको ड्रॉप कर दिया लेटली, हमें लगा कि वो लोगों के लिए अकाउंट्स बनाना मुश्किल हो रहा है, तो बस ये दो चीज़ें हमारी चल रही हैं। इसके अलावा तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर तो कोई चीज़ें नहीं है, बाकी वो 1-to-1 के प्रोग्राम्स होते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है कोचिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें कोई आता है कहता है कि जी वो 1-to-1 ही उसे पढ़ना है समझना है, तो वो चीजें चलती हैं। उसके बाद उसके अलावा वो वीए के वगैरह के थे वो भी हमने बंद कर दिए, तो अब तो कोई ऐसे हमारे छोटे प्रोग्राम्स नहीं है।
पहले आप दुबई भी गए हुए थे, कोई खास प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं दुबई, कुछ खास नई चीज है वो बताना चाहेंगे आप? मेरी कंपनी मैंने बनाई थी दुबई में लास्ट ईयर, तो मैं जाहिर सी बात है उसके हवाले से हाँ बिल्कुल, मैं बिजनेस कुछ वहां पे कर रहा हूँ, स्टार्ट किए हैं मैंने रिसेंटली, और उसमें भी कुछ ई कॉमर्स भी है साथ और कुछ ऑफलाइन दूसरे काम भी हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो वो अब थोड़ा सा हमने इस तरह बनाया सेटअप कि मैं कुछ चक्कर लगाता हूँ हर दो दो महीने तीन तीन महीने में, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम कर लेते हैं ताकि वहाँ पे मामला शुरू हो जाए और वहां से एक अच्छी इनकम नहीं बनना शुरू हो जाए। तो उम्मीद यही है, कोशिशों में लगे हुए, अल्लाह खैर करेगा। सर लास्ट सवाल, सक्सेस और फेलियर में बुनियादी चीज किसको समझते हैं, स्ट्रगल का फर्क है या मुकद्दर का फर्क? नियत का, सक्सेस और फेलियर में नियत का बड़ा रोल प्ले करता है, फिर आपके मुकद्दर पे भी बात आती है। तो नसीब मुकद्दर ना बाज़ औक़ात चेंज हो जाते हैं, तो अगर आप ये कहें कि मैं बेरोजगार हूं तो मेरी मेरे नसीब में रोजी, मेरे नसीब में नौकरी नहीं है, अच्छा जी मान लिया, क्या आपके नसीब ने आपके हाथ पांव बांध दिए थे? आप कहेंगे नहीं। तो अगर नहीं बंधे तो जी उठें, निकलें घर से बाहर और दूसरा कोई काम ढूंढ लें। देयर हैज टू बी अ वे, अल्लाह ताला ने तो बोला है कि भाई तुझे खाना तो मैं खिलाऊंगा, रिस्क तो तेरा तुझे पहुंचा दूंगा, लेकिन उसको पहुंचा तेरे तक पहुंचने के लिए तुझे भी एफर्ट डालनी है। तू बिस्तर पे लेटा रहे और मायदत उतर जाए ऊपर से तो ऐसे नहीं होगा। तो जब आपको ये डेफिनेशन उसने दे दी है तो और फिर इंसान मासा वाला से ऐसा ही है, तो जब उसने बता दिया तो फिर तो आपको काम करना है ना। हाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ कामों में देर लग जाती है, कुछ में आपकी स्ट्रेटेजीज गलत होती हैं, लेकिन मेजर फेल फैक्टर जो मुझे नजर आता है वो नियत के इसके अंदर काफी ज्यादा है। और मैं समझता हूँ जब मैंने साफ नियत के साथ काम किए तो अल्लाह का शुक्र मेरे साथ बड़े बड़े सारे लोगों ने ब्लंडर किए, धोखा दिया, पैसे खाए, ये वो, लेकिन जितने लोगों ने भी खाए ना वो कहीं ना कहीं इधर उधर दाएं बाएं जाया ही हुए हुए हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह वहीं खड़े हुए, डेंट्स लगे हुए हमारी हमारे ऊपर काफी सारे, लेकिन खड़े हुए चल रहे हैं फिर भी। तो ये मेरे से ज्यादा बंदे को क्या चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद आएंगे तो फिर डायरेक्ट आपसे भी आके भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू जनाब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी तो आपने देखा कि आज हमारे साथ मेहमान थे हुज़ैफ़ा अली। अगर आप इसी तरह के नए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और किसी बिज़नेस को देख रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं हम आपके लिए और भी ला सकते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नए सेलिब्रिटी के साथ आपको मिलना है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह अगर आपको उनसे मिलवाएंगे और आपके सवाल पूछेंगे उनसे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर बताइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।